अभी आपको याद ही होगा, रिसेंटली मैंने एक नया कीबोर्ड मंगाया था, ये इवोवॉक्स का डेथ रे कीबोर्ड, एंड इसकी वीडियो चैनल पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख सकते हो जाके। तो जब मैं ये कीबोर्ड देख रहा था, तो मेरे को एक और बजट कीबोर्ड मिला था एंड उसकी प्राइसिंग काफी कम थी, तो वो है ये वाला कीबोर्ड एंड टीस्पोर्ट्स MK1700। मैंने ये भी मंगा लिया था उस टाइम पे, एंड इस वीडियो में सोच रहा हूँ हम इसको रिव्यू करते हैं एंड साइड बाय साइड में इससे कंपेयर करता जाऊंगा ऐसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। तो कुछ इस टाइप का बॉक्स मिल जाता है हमें, ब्लैक एंड येलो कलर का, जैसा एंटी स्पोर्ट्स का होता है। यहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे हमारा कीबोर्ड बना मिल जाता है, और यहाँ पे इसका मॉडल नेम लिखा मिल जाता है। यहाँ पे फिर लिखा है प्रो बैकलिट गेमिंग कीबोर्ड, एंड पीछे साइड आ जाए तो यहाँ पे लिखी है स्पेसिफिकेशन, एंड यहाँ पे लिखे हैं कुछ कीबोर्ड के फंक्शंस। तो एक बार इसे देख लेना, बाकी फिर डब्बे को खोल लेते हैं फटाफट से। तो अंदर कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में हमारा कीबोर्ड मिल जाता है। वो लुक्स तो यार बढ़िया लग रही है इसकी भी, काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन, मतलब बाहर फोटो में जैसा लग रहा है उससे बेटर हमें रियल में दिख रहा है कीबोर्ड में, ये काफी सही लग रहा है। और केबल फिर बेसिक सी मिल जाती है, ब्रेडेड वाली केबल का कोई सीन नहीं है, पतली सी केबल मिल जाती है, तो क्वालिटी केबल की ठीक ठाक कह सकते हैं, क्वालिटी उस वाले की बेटर थी केबल की। बाकी कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी हल्की सी है, उतनी हैवी नहीं है, 500 रुपए का कीबोर्ड है तो उसके हिसाब से क्वालिटी ठीक लग रही है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको फ्लेक्स मिल जाएगा, हल्का सा है, ज्यादा नहीं है, बट ओवरऑल क्वालिटी डिसेंट है, नॉट बैड। और फिर पीछे से ऐसा टाइप का डिजाइन मिल जाएगा, प्लास्टिक इन्होंने ऐसा यूज कर रखा है, ठीक ठाक क्वालिटी का प्लास्टिक है। एंड कीबोर्ड में कोई अलग से एलिवेशन की क्लिप्स नहीं मिल जाती, इसकी डिजाइन यहाँ से ऐसी कर्व्ड है, तो ये खुद ही कुछ इतना एलिवेटेड सा लगता है। फिर नीचे इसके मिल जाता है हमें यहाँ पे इसकी यूजर मैनुअल और इसका वारंटी कार्ड। तो इसकी यूजर मैनुअल भी संभाल के रख लेना, क्योंकि ये भी काम आ सकती है, तो एक नाम बता से भी। बाकी फिर एक मिल जाता है हमें ये एंटी स्पोर्ट्स का कार्ड, तो यहाँ से आप स्कैन करके वारंटी रजिस्टर कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की। बाकी इसे साइड पे रखते हैं और अपने कीबोर्ड नजर डालते हैं। तो कीबोर्ड कुछ इस टाइप का मिल जाता है, कीबोर्ड की क्वालिटी ठीक लग रही है, डिसेंट लग रही है, मतलब 500 रुपए के हिसाब से सही लग रही है, नॉट बैड। और सिमिलरली ये कीबोर्ड भी हमें फुल साइज लेआउट में मिल जाता है, 104 कीज आती है इसमें, डेडिकेटेड नंपैड आता है, नैरो कीज भी आती है। फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सट्रूडेड पार्ट मिल जाता है जिसमें एंटी स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, तो ये काफी अच्छा दिखता है। बट बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी देखें तो इसकी काफी हल्की है, तो इवो फॉक्स वाले की बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बेटर है, तो एक पॉइंट जाता है इवो फॉक्स वाले को। एंड हमारे सेटअप पे इसकी लुक्स कुछ इस टाइप की दिख जाती है, एंड इसकी RGB की तो क्या ही बात करूं मैं, मतलब इतनी गंदी है ना इसकी RGB, मतलब देखने में इतनी बुरी लगती है ना कि मतलब इससे अच्छा तो आप लाइट ऑफ करके यूज कर लो इसे। RGB में इसकी इतनी अजीब सी फैली फैली सी लाइटिंग है ना कि लुक्स इतनी खराब हो जाती है उससे। तो RGB के मामले में भी कह सकते हैं कि इवो फॉक्स वाला बेटर है, तो यहाँ उसे एक और पॉइंट जाता है। बट इसके की स्ट्रोक स्मूथ है, मतलब इसमें जो टाइपिंग एक्सपीरियंस आता है वो काफी बेटर है इवो फॉक्स वाले से, मतलब इसका की स्ट्रोक स्मूथ सा है, की आराम से दब जाती है। वो याद है मैंने कॉम्बिनेशन वाला बताया था कि मैं कॉम्बिनेशन में कीज यूज करता हूँ, तो ऑल्ट टैब दबाता हूँ, वो बहुत स्मूथली दबता है। और एंटी स्पोर्ट्स का कीबोर्ड्स का है ही है कि मतलब कीबोर्ड कैसा भी हो कीबोर्ड स्मूथ बहुत होता है, मतलब टाइप करने में मजा आता है। मैं अभी भी जो यूज कर रहा हूँ छोटा कीबोर्ड अपना, वो भी एंटी स्पोर्ट्स का है, वो भी काफी अच्छा है, 2 साल से चल रहा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो टाइपिंग एक्सपीरियंस में मैं कह सकता हूँ कि ये कीबोर्ड बेटर है, तो एक पॉइंट जाता है इसे। बाकी एर्गोनॉमिक्स भी ठीक है इस कीबोर्ड के, कुछ इस टाइप का एलिवेटेड डिजाइन मिल जाता है, तो यूज करने में कंफर्टेबल लगता है। तो एर्गोनॉमिक्स के मामले में कह सकते हैं कि दोनों कीबोर्ड सिमिलर से हैं। इसकी जो ये कीज है ये थोड़ी सी आपको एलिवेटेड सी मिल जाती है, बट मेम्ब्रेन कीबोर्ड है तो साइलेंट ही है, कुछ इस टाइप की आवाज आती है, आप सुन के देख लो एक बार। एंड इसकी जो कीज है वो भी मेरे को इवो फॉक्स वाले से बेटर लगी, कह सकते हैं कि एक पॉइंट और दे सकते हैं हम इसे। बाकी फिर अगर एंटी घोस्टिंग की बात करूं तो एंटी घोस्टिंग का मेरे को सीन समझ नहीं आता क्या होता है इन कीबोर्ड में। कभी कभी मैं दबाता हूं तो अच्छे से 9-10 कीज दब जाती है, कभी कभी नहीं दबती, ये इशू इसमें भी है उसमें भी है, तो मेरे को लग रहा है ये इशू सब में होता है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या है ये। फिर तुम्हें पता ही क्या है तो कमेंट करके बता देना यार। फिर अगर RGB की बात करूं तो RGB की तो क्या ही बात करूं यार, मतलब इसमें बेयरली एनी RGB है, मतलब इसमें जो लाइट है उसको RGB कहना RGB टर्म की बेइज्जती होगी, तो इसे हम LED लाइट ही कहते हैं, इन्होंने भी LED लाइट ही कहा है। तो इसमें हमें 3 या 4 zone टाइप की LED लाइट मिल जाती है, जिसमें इफेक्ट्स भी कुछ नहीं है, 2 ही टाइप के इफेक्ट है, एक तो नॉर्मली कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, और एक ये ब्रीदिंग पे आ जाती है, FN+ लाइट वाला बटन दबाओगे तो ब्रीदिंग पे आ जाएगी, एंड इसको आप ऑफ भी कर सकते हो लाइट वाला बटन दबा के, तो मैंने तो ऑफ पे यूज करा ज्यादातर, मेरे को वही बेटर लगा। तो इसमें लाइट के नाम पे बस इतना ही मिलता है। तो याद है जो यूजर मैनुअल संभाल के रखी थी अनबॉक्सिंग के टाइम, फेंक दो भाई
इसे कोई जरूरत नहीं उसे संभालने की। बाकी फिर अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो हमने सेम ही इसको भी वैसे ही टेस्ट करा जैसे उसे करा था, गोस्ट ऑफ सुशीमा खेली एंड काम वाम करा। एंड इस मामले में एक्सपीरियंस के मामले में कह सकता हूँ इसको यूज करने में ज्यादा मजा आया, मतलब इसकी लुक्स वुक्स सब साइड करके इसको अगर यूज कर रहा हूँ मैं तो ये ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है उस वाले से, तो मेरे को तो ये उस मामले में बेटर लगा। बाकी अगर पॉइंट्स के हिसाब से आप देखो तो यूवो फॉक्स वाला जीत गया है, बट आप कौन सा प्रेफर करोगे, मतलब आपको क्या ज्यादा मैटर करता है, लुक ज्यादा मैटर करती है या फिर आपको कंफर्टेबल कौन सा कीबोर्ड ज्यादा है वो मैटर करता है, तो सब्जेक्टिव चॉइस होती है जिसको जो लेना हो। तो मेरे को आप कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा वाला प्रेफर करो। बाकी फिर प्राइसिंग का भी सुन लो आप, इसकी प्राइसिंग जब हमने खरीदा तो ये हमें पड़ा 549 रुपीज का, और यूवो फॉक्स वाला जो हमने खरीदा था तो वो हमें पड़ा था 899 रुपीज का, तो इतना कुछ इनमें प्राइस डिफरेंस है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना एक बार। तो 550 के हिसाब से ये ठीक है, मतलब कंसिडरेबल है। अगर लाइट वाला शोशा नहीं चाहिए तो मैं तो ये कीबोर्ड अच्छा है, गुड टू गो ऑप्शन है, क्वालिटी इसकी सही है, आप ले सकते हो। तो कमेंट करके बताओ कि तुम लोग दोनों में से कौन सा चूज करोगे, ये एंटी स्पोर्ट्स वाला या फिर ये ईवो फॉक्स वाला। और ये भी बता दो अगर किसी और कीबोर्ड का रिव्यू चाहिए हो तो पूरी कोशिश करेंगे उसे लाने की एंड रिव्यू करने की। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही और कॉन्टेंट के लिए। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।